हाय एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो ग्रेट इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, यस द फुलिश इंडियन कंज्यूमर्स। आजकल डिस्काउंट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, 50% ऑफ, 20% ऑफ, 70% ऑफ, 80% सेल गारमेंट्स में, एक्सेसरीज में, किचन वेयर में, हाउसिंग में, और आजकल ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन खाने की चीज़ में भी डिस्काउंट। कमिंग फ्रॉम अ फूड बैकग्राउंड, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे आजकल बेकरीज और केक शॉप्स में बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, 20%, 60%। कुछ कुछ शॉप वाले एक कूपन सिस्टम रखते हैं, अगर ये कूपन उठाया तो 20%, अगर ये कूपन उठाया तो 100%, यानी कि केक फ्री। उनको ये नहीं पता कि ये जो स्टॉक रहता है वो डेड स्टॉक रहता है, या वो स्टेल रहता है और डेड स्टॉक रहता है, क्योंकि ये जो बचा पुराना स्टॉक है जो 9 बजे के बाद ये लोग डिस्काउंट में देते हैं, वो पूरा एक डेड स्टॉक रहता है। यानी कि अगर आप वो खाएंगे तो आपको या फिर लूज मोशन हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, या फिर आपको डायरिया हो सकता है, और उस चीज़ में बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट अवॉइड डिस्काउंटेड केक्स एंड पेस्ट्रीज। अच्छी चीज़ खाओ, पूरे पैसे दे के खाओ, दिन में खाओ। रात को जो शॉप वाले आपको डिस्काउंट दे के, लालच दे के ये जो डिस्काउंट देते हैं वो मत खाओ, क्योंकि ये जो डेड स्टॉक रहता है वो हमें फेंकना रहता है। ये जो दुकान वाले, ये जो रिटेलर्स है, जो केक शॉप वाले हैं, वो 300-350 का केक फेंकने के बजाय आपको 200-250 में दे देंगे और आपको खुश रखेंगे। ये जो लालच है, वो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पड़ता कि मैंने बासी माल खाया है और एक डेड स्टॉक खा लिया है। कुछ कुछ महान कस्टमर्स ऐसे भी है जो नो 3-4 किलोमीटर घूमेंगे कहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, 200-300 का पेट्रोल यूज़ कर लेंगे, लेकिन डिस्काउंट ज़रूर लेंगे, डिस्काउंट चाहिए ही उनको। I request you guys to be serious about it. Food में at least discount मत expect करो, अच्छा खाओ, fresh खाओ, लेकिन discount वाला मत खाओ, क्योंकि ये जो माल है वो हमें फेंकना पड़ता है next day। जो retailer आपको discount दे रहा है उसे avoid करो, क्योंकि ये 200-250, 100-200 बचाने के चक्कर में पता नहीं आपका पैसा, यही बचा हुआ पैसा डॉक्टर के पास जाएगा। ये 300-400 वाली चीज़ें, या फिर कुछ लोग तो रेट बढ़ा देते, दिन में 500 रुपीज़ हाफ के जी रहता है, या फिर 450 आपके ऑलरेडी उनका रेट हायर रहता है तो वो रात को 8-9 बजे के बाद आपको 10-20% डिस्काउंट देंगे, लेकिन इसमें आपको कोई फ़ायदा ही नहीं, इसमें दुकान वाले का फ़ायदा है, जो ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप उल्लू बन रहे हो। इसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको हॉस्पिटल वाले, दूध वाला, सब लोग आपको डिस्काउंट देते। इसमें बिजनेस करने वाले का ही फ़ायदा है, आपका कंज्यूमर का कोई फ़ायदा नहीं। तो उल्लू मत बनो, अच्छी चीज़ खाओ, ज़्यादा पैसे दो, अच्छे मतलब यानी नॉर्मल पैसे दो, लेकिन अच्छा खाओ, डिस्काउंट वाला अवॉइड करो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जिसको बहुत पागल बनती है डिस्काउंट वाला माल खाने की, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल।